इस चाय, हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम ऐसे लोगों को मिलने वाला है जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही उम्दा काम करते हैं, फील्ड ऑफ आर्ट हो या एक मूवमेंट हो। आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट के लिए, जिसका टाइटल है #artivism। और आज ये पॉडकास्ट का टॉपिक है आर्ट इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन आर्ट। और आज हमारे साथ है कविता नयन शाह, जो एक आर्टिस्ट भी है और एक टीचर भी है। तो हम बात करते हैं कविता शाह से। हेलो मैम। हेलो। आप हमारे दर्शकों को और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या करते हैं मैम। आई एम कविता शाह एंड आई एम आर्टिस्ट। यस। नाउ आई एम कैंसर सर्वाइवर। लास्ट ईयर मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था जुलाई में, तो उसके बाद अब मेरी करियर पूरी चेंज हो गई और मैं मेरा पूरा टाइम आर्ट में, ट्राइबल आर्ट में मैं कर रही हूँ। ट्राइबल आर्ट में आप, तो आप जब कैंसर से उठ रहे थे तो आपको आर्ट ने कैसे बचाया? आर्ट ने ही मुझे बचाया ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मेडिटेशन सजेस्ट किया था ऑपरेशन के बाद, और फिर ये जर्नी शॉर्ट नहीं थी, मुझे पता था कि ये 8 मंथ लंबी जर्नी है मेरी सर्वाइव होने के लिए, क्योंकि इसके बाद ऑपरेशन के बाद केमोथेरापी रेडिएशन वगैरह चलता है। तो मुझे पॉजिटिव भी रहना था, मुझे इससे बाहर भी निकलना था, और मैं एक जगह बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा, जो मेरा पुराना शौक था जब मैं स्कूल में थी, तब जो मेरा शौक था मेरे मैरिज के बाद मैंने जो कुछ छोड़ दिया था, तो मुझे लगा कि अब मैं वो स्टार्ट करूं, और मैंने स्टार्ट किया। और सोचा कि वो इंडियन का है तो वो ट्राइबल वर्क, मैं जब इसमें से निकलूंगी कैंसर में से पूरी प्रोसीजर में से, तो मैं 5 ट्राइबल आर्ट्स डेवलप करूंगी। वाओ, ओके। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैंसर में मैं सोने की बजाय जब मैं केमोथेरापी ली हो तब मैंने ये सोचती थी कि कौन सा आर्ट करना है, क्या करना है, और बैठे बैठे मैं पेंटिंग ड्रॉ करती थी। जब केमोथेरापी की असर कम हो जाती थी बाद में उस पर कलर करती थी। wow, तो मेरा पूरा टाइम बहुत अच्छी तरह से पास हो गया। wow, तो amazing. मैं आर्ट्स नहीं, मुझे ये पेंटिंग नहीं, मुझे पेंटिंग इतना पॉजिटिव रखा है। राइट। लोगों को साइड इफेक्ट आती है अपने बॉडी पे, आपकी साइड इफेक्ट निकली है ऐसे ऐसे। हाँ, या सही बात है। तो अब मैम आप बताइए कि जो एजुकेशन है उसमें आर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है? एजुकेशन में आर्ट बहुत इम्पोर्टेंस है। जब मैं स्कूल में थी, हमारे स्कूल में कंपलसरी था ये सब्जेक्ट, ड्राइंग्स कंपलसरी था, तो हम एलिमेंट्री इंटर की एग्जाम्स दे रहे थे, तब मुझे पता नहीं था कि थोड़े सालों के बाद मुझे ऐसा कुछ होगा वैसा। वैसे ही हम लोग पेंटिंग कर रहे थे, लेकिन जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ तब मुझे पता चला कि एजुकेशन लाइन में आर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। और दूसरा मुझे लगता है कि सभी को आर्ट्स का महत्व इसलिए है कि बच्चे का इमेजिनेशन पावर इससे बढ़ता है। आर्ट से एजुकेशन में अगर आर्ट्स हो तो बच्चों का इमेजिनेशन पावर बढ़ता है। आगे जाके कैसे हेल्पफुल हो सकता है मैम? जैसे कहीं भी जब हम डिप्रेशन, अभी डिप्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को, अकेले सब कुछ है, तो उसके पास कोई आर्ट है तो वो ये आर्ट का यूज करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, वो माइंड बिजी रहता है उसका। और जब ये आर्ट का पेंटिंग वगैरह करते हैं तो वो दिमाग से सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे बनाना है, क्या कलर है, तो उससे वो बिजी रहे। एग्जैक्टली। तो हमने लास्ट वीक ही एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे मैंने अपने डिप्रेशन की बात की थी एंड हाउ स्टैंड अप कॉमेडी हेल्प मी कम आउट ऑफ डिप्रेशन। तो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, आपको मेरा मानना है कि कोई भी आर्ट फॉर्म अगर होता है, अगर आप उनको उसको परस्यू करते हैं तो आपका जो मेंटल स्टेट है उसमें से आपको निकलने में काफी आसानी होती है। 100% राइट। क्योंकि जब मैं कैंसर की मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी तब मैं लोगों को मिल नहीं सकती थी, 8 महीना घर में ही रही थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मैं घर में हूँ,
मुझे ज्यादा ही घर में रहना पसंद हो गया क्योंकि मेरे पास ये आर्ट था, आर्ट था। Amazing, तो amazing, कभी कभी मुझे नींद भी नहीं आती थी, मुझे लगता था ये पेंटिंग में पूरा करके सोऊं या उठूं, क्योंकि तब मुझे कोई घर का काम नहीं था, सिर्फ यही सोचना था। तो यही मेरी फुल टाइम जर्नी थी तब। That's beautiful. तो अगर आप एक आर्टिस्ट है या तो आप किसी चीज में पैशन रखते हैं, तो कविता मैम एक ऐसी इंस्पिरेशन है जो आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब ट्रॉमा हो, फिजिकल इंजरी हो, या ऐसी बीमारियां हो जो डॉक्टर बोल देता है कि यार ये नहीं होगा, बट उससे आर्ट आपको बाहर निकाल सकता है। दैट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी मैम। अभी आप हमें ये बताइए कि आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ बीइंग एन आर्टिस्ट। बस जब मुझे रंगोली वगैरह का शौक था, रंगोली जब मैं करती थी पहले, तो मुझे लगता सबसे अच्छी रंगोली करूं, तो वो साल में एक ही बार मैं कुछ आर्टिस्टिक करती थी। दिवाली आती थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार था क्योंकि पूरा दिन मैं उसमें बिताती थी। लेकिन अनकॉन्शियसली ये मेरे में कुछ था आर्ट का, जब स्कूल टाइम में जो मैं करती थी बोलते हैं। फिर बाद में जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो तभी ही मैंने सोच लिया कि मैं अपना टाइम ये कुछ पेंटिंग करके पास कर गया। और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी अब बहुत हेल्प करती है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो पिंट्रेस वगैरह है जो, तो हमें सब कुछ लेसन मिलते रहते हैं, तो वो मैं देखती थी। मतलब आपने इसमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। पक्का? पक्का। तो ऐसा कैसे बन गया, मतलब ये इतना सिमेट्रिक कैसे बना लेते हो? पता नहीं, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये करना ही है, तो मुझे लगता है कि भगवान भी हमें हेल्प करता है उसमें। तो और एक पॉइंट है, मेरी एक डॉक्टर, हमने होस्ट किया था जापानीज गर्ल को, तो उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती थी और वो एक साल इधर रही थी, तो मुझे लगता था कि वो कुछ लेके जाए, लैंग्वेज तो वो भूल जाएगी लेकिन आर्ट लेके जाएगी तो वो लाइफ टाइम याद करेगी। तो उसके लिए मैंने एक वर्कशॉप घर में ही रखा था, मधुबनी और मड मिरर का, जो हमारा कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, उसका रखा था। तो हम दोनों का भी साथ में टाइम पास हो, इसलिए मैंने भी उसके साथ ये पेंटिंग तब जर्नी स्टार्ट की थी। तब मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ होगा आगे जाके, और फिर ये डिटेक्ट हुआ और मेरी जर्नी आगे। और जब मैंने 2-3 पेंटिंग करके फेसबुक पे रखा और लिखा कि साइड इफेक्ट ऑफ माय केमोथेरापी, तो सब लोगों ने इतना अप्रिसिएट किया, तो मेरा हौसला बढ़ गया करने के लिए। और आर्ट फॉर्म में ऐसा ही होता है, लोग जब तक आप आर्ट दिखाएंगे नहीं, लोग आपको प्यार करते नहीं है, मतलब जब तक आप जैसे मुझे देख लीजिए, मुझे कोई प्यार नहीं करता। बट अमेजिंग स्टोरी मैम। तो आपके हिसाब से अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है आर्ट में, अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है आर्ट में, तो भी एक इंसान आर्ट को परस्यू कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कैसे? अपने बलबूते पे, वो सोच के कि मुझे करना ही है। जैसे मैंने पिंट्रेस्ट पर कई बार जो वीडियोस थे, मुझे जो लाइकिंग थी मेरी पेंटिंग्स की, तो मैं इतना बड़ा कोई आर्टिस्ट की तरह तो आर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि तब मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, मैं बाहर जाके कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकती थी, सीख नहीं सकती थी। लेकिन ट्राइबल आर्ट में मुझे पता चला, मुझे इसलिए पसंद है कि ट्राइबल लोग पढ़े लिखे लोगों की तरह बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा पेंटिंग कर लेते हैं। वो सोचने नहीं कि फिश है वो फ्लाई नहीं कर सकती, उसको जो भी दिमाग में आता है वैसा पेंटिंग वो कर देते हैं, सोच के हिसाब से वो कर देते हैं, उसको उतार देते हैं और नेचुरल पेंटिंग करते हैं। तो मुझे ये नेचर बहुत पसंद आया कि ये नेचर से मैं भी नजदीक रह सकती हूँ, कुदरत की नजदीक रह सकती हूँ, और ये पेंटिंग मैंने स्टार्ट किया। अमेजिंग। मैं आप सब लोगों को एक चीज बता दूं, कविता मैम कोई भी चीज बाहर से नहीं खरीदती, बिकॉज
कविता जी ने गांधीयन स्टडीज में एमए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, समथिंग एमए किया हुआ है, एंड शी इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट टू मेक एन आर्ट फॉर्म फ्रॉम व्हाटएवर इज अवेलेबल विथ यू इन योर हाउस होल्ड. तो बहुत कम चीज है, मतलब फेविकॉल अगर यूज करना पड़ेगा तो वो तो बाहर से ही लेना पड़ेगा, बट बाकी की जो चीज है, जैसे आपने एक ट्रे देखी होगी जिसपे मंडल आर्ट किया हुआ है, तो मंडल आर्ट की आप वो स्टोरी बताइए मैम, आपने वो कैसे किया है. हाँ, वो मंडल आर्ट्स में उसकी डिफरेंट टाइप की पेन आती है डॉट्स की, तो मैंने सोचा कि मैं घर में ही जो चीज है वेस्ट से बेस्ट करूंगी. तो जो हम कंगी करते हैं उसमें जो होता है चिपया बीट्स होती है, दीवासली की जो माचिस बुक की जो होती है, वो सब का मैंने यूज किया डॉट करने के लिए. कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा? नहीं, वो कुछ बाहर से नहीं, अभी भी नहीं है मेरे पास. और यहाँ पे लोगों के पास सारी फैसिलिटीज होती है फिर भी वो आर्ट परस्यू नहीं कर सकते. और उसी पे से मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, जो आपने बताया कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, हम पिंटरेस्ट से इंस्पायर होके वहां से लेके हम लोग कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये सारी सहूलियत देखिए तो, पर वो भी आर्टिस्ट तो है ही, वो भी आर्ट फॉर्म तो करते ही होंगे, उनको हम वहां से उठा के ऊपर कैसे लेके आए आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट छोटे छोटे गांव में वगैरह वो लोग करते हैं, तो वहां जाके उसको मिलना चाहिए, फिर उसकी जो आर्टिस्ट जो वो बनाते हैं उसको खरीदना भी चाहिए. ज़्यादा कोई भी हम शो में जाते वहां से हम पेंटिंग उठा के लाते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस टैग देख के हम पेंटिंग लेते हैं. और जो छोटे छोटे कलाकार है वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका क्यों ना इतना अच्छा ना हो फिर भी उसने करा, तो हम उसको पेंटिंग अप्रिशिएट करके उसके पेंटिंग वगैरह लेके हम हेल्पफुल हो सकते हैं और उसको आइडिया दे सकते हैं, कुछ भी सेल करने का आइडिया दे सकते हैं उसको, कहाँ सेल करना है. राइट, तो मतलब एक आर्टिस्ट को सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बट एक बिजनेसमैन भी बना सकते हैं. हाँ, कि उसमें से थोड़ा बहुत कमाई कर सकते हैं. दैट इज अ ब्यूटीफुल थॉट. तो ही ये चलेगी आर्ट की जो उसकी प्रक्रिया है तो ही चलेगी ये, क्योंकि अगर कहीं से पैसा आएगा नहीं तो आर्टिस्ट का जो मोटिवेशन है वो टूट जाएगा, मतलब कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग तो इसे पसंद कर नहीं रहे और मुझे मतलब कोई लाइमलाइट में भी नहीं ले रहा है. तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में आज ऐसी संस्थाएं हैं जैसे ये प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट हो गया, जो बहुत सारे आर्टिस्ट को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और उनको वहां से फिर एक्सपोजर मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स काम आ सकते हैं ऐसे आर्टिस्ट के? हाँ, बहुत काम आ सकते हैं. जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं तो सबका काम आ जाएगा. इंडिया में ये सूरत से वो रमणीक भाई झापड़िया वो कला संस्था चला रहे हैं, वो छोटे छोटे आर्टिस्ट को ढूंढ के निकालते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, फिर फेसबुक ये सब मीडिया है उसमें भी उसका देते हैं, बुक्स छपाते हैं, तो उसी हिसाब से जिनके पास ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं है उनको वो ग्रास रूट लेवल से उठा के लाइमलाइट में. बहुत सारे लोग है, ये राजकोट में प्रोजेक्ट चल रहा है, अहमदाबाद में भी था, बड़ौदा में भी है, शायद सूरत में भी है, कि ये चित्रनगरी जैसा कि वॉल पेंटिंग करते हैं, तो जब बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसको बहुत मजा आता है बड़ा पेंटिंग कर, उसमें से ये डेवलप होती है उसका जो शौक है आर्टिस्ट का, पेशेंस आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब वो लोग करते हैं तो. राइट. अच्छा मैम, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका अभी का काम क्या चल रहा है? अभी का बस अब मैं फ्री होती हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि घर का काम निपटा के मैं बैठ जाऊँ और मेरे सब ये पेंटिंग्स करूँ. पहले मुझे ऐसा था कि सोशल वर्क
बार किसी को मिलने जाऊं, बहुत मजा आता था, अब भी मजा आता है, लेकिन अब मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। राइट, अब मुझे अकेलापन भी नहीं लगता, पर मैं अकेले, क्योंकि मेरे पास आर्ट है। राइट, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके पास एक छोटा सा पेंटिंग है और ये कुछ इसमें भी है प्लास्टिक में, आप बताएंगे क्या है ये? हाँ, ये छोटा सा पेंटिंग से ये फेसबुक पे सूरज आर्ट करके एक लड़का बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सिखा रहा है, तो मैंने भी उसका देख, ये 5 मिनट में किया है, तो ये सीखना भी जरूरी है। 5 मिनट में ड्रॉइंग भी नहीं किया है, पूरा कलर लेके ऐसे ही मैंने 5 मिनट में ये पूरा कलर, क्योंकि वो टेक्निक बता रहा है, वो लड़का टेक्निक भी बताता है कैसे अच्छा, करना है ब्रश कलर, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग भी जरूरी है, अकेले आर्टिस्ट होना जरूर, उसके साथ आपके पास होना जरूरी है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये 5 मिनट में बनाई हुई ये चीज है। Brilliant. और दूसरा क्या मैम? ये जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब टाइम्स ऑफ इंडिया में ये गांधी जी का एक लड़के ने अपने ब्लड से किया हुआ पेंटिंग्स की फोटो थी, वो देखकर तब मैंने बनाई थी ये, एक कागज पे। हाँ, मैं 9th, वो तब की पेंटिंग है, और अभी ये 2nd अक्टूबर अभी इस साल मुझे वो पेंटिंग याद आया और फिर से मैंने वो ये बनाया, पेपर पे बनाया, तब सिंपल पेपर पे बनाया था ये। अब ड्राइंग, व्हिच ईयर वुड दिस बी मैम? आई थिंक 84 1984 का पेंटिंग। तो मैम एक बार मैं आपको एक आखिरी क्वेश्चन कर लेता हूँ, कौन से टाइप के आर्ट फॉर्म्स आप पेंट करते हैं? मैं ट्राइबल आर्ट में वाली पेंटिंग्स, मधुबनी इज माय फेवरेट, कलमकारी, गोंड आर्ट, मंडल आर्ट, इंजेंटिंग आर्ट, बहुत ही लोग। राइट, जो एक्चुअली पेंटर्स होंगे उनको ये पता चलेगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये ग्रीक एंड लैटिन है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा इसमें, बट दैट इज अमेजिंग। ट्राइबल आर्ट फॉर्म को मैम बेखूबी निभाती है, जस्टिस करती है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड इंटरव्यू यू टुडे। सो thank you so much ma'am for being on the podcast today. So thank that was Kavita ma'am with us. She's an amazing artist. All the more inspiring is her story and how she started the art which had long been forgotten in her subconscious mind. So I think that's it from my side, guys. Thank you so much. Till we meet next time.